रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर देर रात एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि भूरा रानी क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती ज्योति को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल लेकर गए थे, तभी वापस लौटते टाइम तेज गति से आ रही कार ने रिक्शा को टक्कर मार दी। घटना में एक ही परिवार की तीन महिलाएं सहित वाहन चालक की मौके पर भी मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। मोड़ ट्रांजिट कैंप थाने में एक सूचना हमें मिली, इसमें जो है एक कार और एक टुक टुक को टक्कर देकर क्षतिग्रस्त किया गया। इसमें जो टुक टुक में सवार व्यक्ति थे उनमें चार एक ड्राइवर सहित तीन ड्राइवर और तीन महिलाओं की मृत्यु हो गई है, तो टोटल चार कैजुअलिटी हुई हैं और दो जो घायल हैं वो अभी उपचाराधीन है, उनका उपचार चल रहा है, उनकी हालत अभी ठीक है, तो इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में देहरादून में दो घंटे पेट्रोल पंप और व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहे। सभी संगठन गांधी पार्क से घंटाघर होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन भेजा। इस दौरान आक्रोश रैली भी निकाली गई जिसमें दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारी और व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। डीएम कार्यालय में डीएम सोनिका को ज्ञापन दिया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए आज कोई राजनीति का विषय नहीं है, मैं भी कांग्रेस के पूर्ण समर्थक हूँ, बहुत सच्ची सेवक हूँ, लेकिन आज मैं कांग्रेस मेरा सबसे पहला घर देश की महिलाओं को सुरक्षित करना, अपने देश की महिलाओं की रक्षा के लिए लड़ना, अपने देश के लिए जागरूक करना और अगर कहीं पर कोई अपराध होता है तो उसके लिए खड़े होना, तो आज मैं उसी बीच में यहाँ पे आई हूँ। मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि मानव अच्छा मानव होना, सबसे बड़ी मैसेज है और आज पूरा देहरादून यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। महिलाओं की हिफाजत की जरूरत है और सबसे बड़ी हिफाजत महिला को खुद करने की जरूरत है।